वाले हैं जो पार्थिव चुंबकत्व होता है। पार्थिव चुंबकत्व के अंतर्गत एच वी आई और थीटा, इसके जो अवयव होते हैं, इन अवयवों में हम देखेंगे संबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले जो आपका एच वी आई में संबंध होता है, इसमें हमें याद क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो हमारा बिंदु है, इसमें आप सिद्ध करेंगे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन एच। पहला बिंदु हमें ये याद करना है, इसको हम निकालेंगे, या फिर ये आपका कैसा हो सकता है, एच का हम इस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो वी बराबर क्या बचेगा, एच टेन थीटा ये हो जाएगा। इसके बाद आप इसी में दूसरा बिंदु याद करेंगे, दूसरा बिंदु हमें इसी में क्या निकालना है। तो दूसरा बिंदु जो आपका पार्थिव चुंबकत्व के अवयवों के अंतर्गत हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर। ये हमें दूसरा इसमें बिंदु निकालना है। और इसी प्रकार आप इसमें तीसरा बिंदु भी निकालेंगे, तो तीसरा बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर बराबर। देखिए प्लस की जगह किसका उपयोग किया गया है, माइनस का उपयोग किया गया है। और यहाँ पे जो आपका आई स्क्वायर था, यहाँ पे भी हमारा थोड़ा बहुत बदल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आई स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा। पार्थिव चुंबकत्व के अवयव जो होते हैं एच वी आई और थीटा, इसके अंतर्गत हमें तीन मुख्यतः तीन बिंदुओं को निकालना है। फर्स्ट बिंदु जो आपका होता है, तो टेन थीटा बराबर वी अपॉन एच हो जाता है। और जो आपका सेकंड होता है, सेकंड में हम क्या निकालते हैं, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर। और जो थर्ड होता है, थर्ड में आप निकालेंगे एच स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा डायग्राम को समझते हैं। तो आपके सामने ये डायग्राम दिया गया है, मैं थोड़ा बहुत डायग्राम के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। माना किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की, ये कोई स्थान पर हमने डायग्राम को मान लिया है। तो माना किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता को यहाँ पे हम कैसे प्रस्तुत करते हैं, आई से। ये जो आपको यहाँ पे सिंबल दिखाई दे रहा है, परिणामी तीव्रता का हो जाएगा, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। क्षैतिज तीव्रता, ये जो यहाँ पर तीर का चिन्ह लगा हुआ है, ये किसको शो करता है, क्षैतिज तीव्रता एच को प्रदर्शित करता है। और ये आपका क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर तीव्रता क्या हो जाएगी, भी हो जाएगी। और नमन कोण का मान यदि हम यहाँ पर देखें, तो ये जो कोण है इसको हम नमन कोण या नति कोण कहते हैं। नमन कोण या नति कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। किसी स्थान पर यदि हम देखें, तो माना ओ ए बी सी, ये जो ओ ए बी सी जो दिया गया है, ये किसको प्रदर्शित करता है, किसी समतल स्थान पर, ओ ए बी सी समतल स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, चुंबकीय यामोत्तर को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो परिणामी तीव्रता जो आपको आई दिखाई दे रही है, इसके कितने घटक हो जाएंगे, दो घटक हो जाएंगे। एक ये हो जाएगा आपका क्षैतिज घटक एच हो जाएगा, जो हमारा कौन सी दिशा में है, ओसी दिशा में है। और एक हो जाएगा ये हमारा ऊर्ध्वाधर घटक कौन हो जाएगा, भी, जो किस दिशा में है, ओए दिशा में है। तो अब यहाँ पे आप देखते हैं, इसको हम देखेंगे, अब आप इसको घटकों में विभाजित करेंगे, तो जो परिणामी तीव्रता है, परिणामी तीव्रता जो आई है, यहाँ पे आप लिखेंगे परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, जो परिणामी तीव्रता हमारी आई दी गई है, आई को हमें किसमें विभाजित करना है, घटकों में वियोजित करने पर। इसको हम कहाँ पे वियोजित कर देंगे, घटकों में, यानी यहाँ पे दो घटकों में वियोजित कर देंगे। तो हमारा जो पहला घटक होने वाला है, पहला घटक हो जाएगा आपका क्षैतिज घटक, ये वाला ले लेंगे आप। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर एक में क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक क्या दिया गया, एच। और ये जो एच है, ये कौन सी दिशा में है, ओसी दिशा में है। तो क्षैतिज घटक एच ओसी दिशा में, किस दिशा में हो जाएगा, ओसी दिशा में। तो जो क्षैतिज घटक एच है, जो हमारा कौन सी दिशा में लिया गया, ओसी दिशा में लिया गया। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनने वाला है एच बराबर आई कॉस थीटा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ये पहला घटक हो गया। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा घटक,
तो जो दूसरा घटक हो जाएगा, दूसरा घटक आपका कौन सा घटक हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। दूसरा घटक कौन सा हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक को हम किससे प्रदर्शित कर रहे थे? भी से। ये हमारा कौन सा दिशा में था? ओ ए दिशा में था। कौन सी दिशा में हो जाएगा? ओ ए दिशा में हो जाएगा। इसको आप लिखेंगे भी बराबर आई साइन थीटा। ये आप समझ गए होंगे, ये घटक हमने लिए हैं। एक आपका क्षैतिज घटक हो गया एच बराबर आई कॉस थीटा, इसको हमने समीकरण नंबर एक डाल लिया। जो दूसरा घटक है ऊर्ध्वाधर घटक, इसको हमने भी बराबर आई साइन थीटा, इसको डाल लिया समीकरण नंबर दो। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपना समीकरण दो है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण दो में समीकरण एक का भाग देने पर, समीकरण दो में समीकरण एक का आप क्या कह देंगे? भाग दे देंगे। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में लिखेंगे और राइट वाला कहाँ पे लिखेंगे? राइट में। तो समीकरण दो में यहाँ पे भी दिया गया था, वहां पे क्या दिया गया था? एच बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई साइन थीटा, और समीकरण एक का लिख देंगे नीचे तो क्या हो जाएगा? आई कॉस थीटा। यहाँ पे आई से आई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका? टेन थीटा होता है। तो साइड में आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? टेन थीटा हो जाएगा। तो इसका आप मान रख देंगे तो भी बटे एच बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। यह हमारा पहला बिंदु हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण एक बार दो को एक बार दो का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण एक बार दो का आप वर्ग कर देंगे और वर्ग करके समीकरण एक बार दो को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण एक बार दो का वर्ग करके जोड़ने पर। तो समीकरण एक बार दो का वर्ग करके यदि आप जोड़ेंगे तो लेफ्ट में लेफ्ट लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर। अब समीकरण एक का आ जाएगा, पहले समीकरण एक का मान लिख देंगे उसका वर्ग कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर समीकरण दो का मान लिख देंगे उसका वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस समीकरण दो वाले का मान लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे इन दोनों में से आई स्क्वायर क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा एच स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर, आई स्क्वायर को अपन ने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया यहाँ पर? साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को यदि आप देखेंगे तो इसका मान कितना होता है? एक होता है। और जब आप एक का मान यहाँ पे रखेंगे तो एक का गुणा किसके साथ हो जाएगा? आई स्क्वायर के साथ हो जाएगा। और जब आई स्क्वायर के साथ एक का गुणा होगा तो जो हमारा मान रहेगा वो केवल क्या रहेगा? आई स्क्वायर ही रहेगा। तो यहाँ पे हम इसका मान रखने वाले हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा? एच स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर हो जाएगा। ये निकल आएगा आपका दूसरा बिंदु। इसके बाद हमें निकालना है तीसरा बिंदु। तीसरे बिंदु में हमें क्या करना है? समीकरण एक बार दो को वर्ग कर देंगे और वर्ग करने के बाद समीकरण एक बार दो को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। कितना अंतर लिया हमने? अभी वर्ग करके हम जोड़ रहे थे, अब क्या कर देंगे हम? वर्ग करके समीकरण एक बार दो को घटा देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण एक बार दो का क्या करना है? वर्ग करना है। तो वर्ग करके क्या कर देंगे आप? घटा देंगे, यानी घटाने पर। तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस के भी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या किया गया है? ये समीकरण एक से आ गया एच स्क्वायर माइनस, ये समीकरण दो से आ गया भी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया समीकरण एक से माइनस, ये आपका आ गया आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा समीकरण दो से। समीकरण एक बार दो को हमने क्या कह दिया? वर्ग करके घटा दिया। तो हमें ये स्थिति प्राप्त हुई। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे
दोनों में से आई स्क्वायर को हम क्या कर ले लें, कॉमन ले लेंगे फिर से, तो यहाँ पे क्या हो गया एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा हमारा कॉज स्क्वायर थीटा माइनस के क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपको फिर से इसका मान देखना है, तो कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है कॉज टू थीटा, इसका मान लिखेंगे आप कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा कॉज टू थीटा हो जाएगा, इतने पूरे का मान, तो आप मान लिख देंगे आप एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर का आई स्क्वायर, इस पूरे का हम यहाँ पे मान लिख देंगे क्या होता है कॉज कॉज टू थीटा होता है, क्या होता है कॉज टू थीटा। तो यहाँ पे आपने देखा ये हमारा तीसरा भी बिंदु यहाँ पे निकल के आ गया, तो हम यहाँ पर देख रहे थे पार्थिव चुंबकत्व के अंतर्गत एच भी आई और थीटा तीनों में क्या देख रहे थे संबंध देख रहे थे, तो ये आपके हो जाएंगे तीनों में संबंध।